झटका जमीन उपरे रोक लगाइले हाईकोर्ट ईडी हाथरे 45 कोटी टंका दुर्नीतिर प्रमाण हाईकोर्ट रे सुनाणी शेष राय संरक्षित बढ़ला दिल्ली सीएम को संकट कोर्ट रो जमीन परे भी मिललानी मुक्ति दिल्ली मद नीति दुर्नीति सह जड़ित आर्थिक अनियमितता मामलें गुरुवार दिल्ली राइज एवेन्यू कोर्ट केजरीवाल को जमीन प्रदान करते पुणी थे केजरीवाल जेल रु बाहर संभावना उज्जवल होता किंतु सबु आशा धूलिसात करदे दिल्ली हाइकोर्ट ईडी आवेदन उपर शुक्रवार दिल्ली हाइकोर्ट में शुणी हो बेल अर्डर उपर रोक लग उच्च न्यायालय मामलार शुणा शेष हो राय संरक्षित रखिंट हाइकोर्ट प्रवर्तन निर्देशालय करवेदन उपर राय प्रकाश पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जमीन में जापारे ना बोली कोर्ट स्पष्ट कर कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया है हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर दो चार दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी उसमें नोटिस इशू हुआ है। मेन ईडी की ऑब्जेक्शन ये थी कि नीचे ईडी स्पेशल कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से नहीं सुना तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी डिटेल में आर्ग्यूमेंट ईडी की सुनी और कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया है और ये कहा है कि कोई रिटर्न सबमिशन अगर किसी ने देनी है तो विद इन टू डेज वो सबमिशन दे दें और बाई मंडे या ट्यूसडे तक वो स्टे एप्लीकेशन पे स्टे इस ऑर्डर को स्टे किया जाए कि नहीं किया जाए इस पे कोर्ट बाई मंडे या ट्यूसडे तक कोई ना कोई फैसला दे। गुरुवार संध्या रे राउज एवेन्यू कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे केजरीवाल को जमीन प्रदान करथिले यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट रे कोर्ट राय को चैलेंज करथिला प्रवर्तन निर्देशालय आज यह मामला उपरे सुनाणी होईची केजरीवाल को विरोध रे 45 कोटी टंका दुर्नीतिर प्रमाण रहितिबार दाबी करिची ईडी। मेरा पूरा विश्वास है कि न्याय होगा और अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारियों का और अपराधियों का इनको जरूर सजा मिलेगी ये हमारा विश्वास है। जिसने दिल्ली की जनता को उनके बच्चों को शराबी बनाने की कोशिश की शराब का व्यापार पैसे के लिए किया भ्रष्टाचार किया ऐसे लोगों को सजा कानून भी देगा और दिल्ली की जनता भी देगी ऐसा मेरा विश्वास। राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी और आज ये ऑर्डर जो है उनका जो लिखित ऑर्डर है रिटर्न ऑर्डर है आज ये निकला है और इस ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी गई। देखिए असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है मुझे लगता है वो कई दिनों तक और कई हफ्तों तक और कुछ सालों तक बनी रहेगी। असमंजस की स्थिति यह है कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके बाहर से कोई अंदर ना जा सके ऐसा कभी होता हो तो क्या हो। तो यही हालत है केजरीवाल जी की अंदर से बाहर आ रहे हैं बाहर से अंदर आ रहे हैं ये सिलसिला मुझे लगता है चलता रहेगा क्योंकि जो केसेस हैं जो चार्जेस हैं जो इल्ज़ाम हैं और जिस तरह के सबूत हैं वो पुख्ता हैं। बाकायदा स्कैम हुआ है जो एक्साइज का जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला है। दिल्ली मद नीति सह जड़ित दुर्नीति मामलें अरविंद केजरीवाल को जेल पठाई थे कोर्ट मार्च 21 रे ईडी केजरीवाल को गिरफ्त कर थिला एप्रिल 1 रे तांकु न्यायिक हेफाजत रे तिहार जेल को पठा जाइथिला प्राय 49 दिन जेल रे रहिबा परे केजरीवाल को मे 10 रे सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमीन प्रदान करथिले। लोकसभा निर्वाचन रे प्रचार पई एई जमीन प्रदान करा जाइथिला जून 2 तारिख रे दीर्घ 21 दिन रो अंतरिम जमीन अवधि शेष होबा परे पुणी तिहार जेल को फेरिथिले केजरीवाल मे 10 रे सुप्रीम कोर्ट लोकसभा निर्वाचन प्रचार पई केजरीवाल को शर्तमूलक जमीन देथिले जेल फेरिबार 3 दिन पूर्वरु जमीन आवेदन करी निराश होइथिले केजरीवाल असुस्थता बहाना करी सुप्रीम कोर्ट रु झटका खाइबा परे दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट रे जमीन आवेदन करथिले दिल्ली सीएम दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट रु मध्य निराश हेबा परे कोर्ट रे आत्मसमर्पण करथिले केजरीवाल शेषरे गुरुवार कोर्ट जमीन मंजूरी करथिले भी मात्र 24 घंटा भीतर हाईकोर्ट जमीन उपरे रोक लगाई केजरीवाल को बड़ा झटका देथिले। ब्यूरो रिपोर्ट अगस्त।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।